हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे इंडियन गर्ल इन यूरोप। और गाइस, आज का सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं फैशन इंडस्ट्री से हूँ, अपैरल फैशन इंडस्ट्री से हूँ। तो मैंने कुछ 6 साल पहले अपना जॉब स्टार्ट किया था, जो कि मैंने अपनी गारमेंट कंपनी से स्टार्ट किया था, फैशन कंपनी से स्टार्ट किया था। जब मैंने वो जॉब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहे रिलेटेड टू माय ड्रेसिंग सेंस, कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है एंड ऑल दैट। सब लोग मुझे मेरी तारीफ करने लगे मेरे ड्रेसिंग से रिलेटेड। तो मुझे एक उस टाइम पे फील आया, मतलब मुझे उस टाइम पे लगा कि मुझे कुछ इससे रिलेटेड स्टार्ट करना चाहिए। पर आपको पता है हम नहीं कर पाते, हम कितना भी सोचते हैं हम नहीं कर पाते। और गाइस, अगर आपको ये भी पता हो कि मैं मैरिड हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आए कि आपके इन लॉज कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आप वीडियोज डालोगे। तो गाइस, मैं आपको ये बता देती हूँ, हमारे इंडिया में हम ये सोचते हैं कि शादी के बाद हमारा जो पैशन है हम वो फॉलो नहीं कर सकते, शादी के बाद हमारा पैशन खत्म हो जाता है, या हम वो सारी चीजें अपनी इच्छाओं की करना छोड़ देते हैं और हम अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं। तो इस मेरे केस में मेरी फैमिली, मेरी इन लॉज की फैमिली सब ने मेरे बारे में सोचा, रेदर देन थिंकिंग अबाउट देम उन्होंने मेरे बारे में सोचा। और मेरा जो पैशन है, ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, ये जो पैशन है वो उन्होंने अपना पैशन समझ के, वो लोग सबसे पहले लोग हैं जो मुझे मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो चाहे वो मेरे इन लॉज हो, मेरे ब्रदर इन लॉ हो, मेरे सिस्टर इन लॉ हो, सब लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो इन दिस केस मैं बहुत लकी हूँ। तो देन मैं फिर से आती हूँ अपनी कंपनी के बारे में, तो मुझे बहुत सारे अप्रिसिएशन मिलते रहे। देन मेरी जो कंपनी थी वो बहुत सारे सैम्पल्स प्रोवाइड करती थी, मतलब कभी ट्रायल के लिए, कभी कुछ के लिए, या फिर बहुत सारे फ्री सैम्पल्स मिलते थे क्योंकि वो वेस्ट होते थे एट द एंड। तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारे सैम्पल्स मिलते रहते थे, और ऑब्वियसली सैम्पल्स बहुत वाव नहीं होते, तो आपको उसको कुछ ना कुछ स्टाइलिंग करनी होती है। तो वो मैं कुछ ना कुछ उसमें स्टाइलिंग करती रहती थी, और वो लोगों को बहुत पसंद आता था। और उस टाइम पे फिर मैंने 2 साल पहले इंस्टाग्राम अपना ग्रो करना चालू किया। इंस्टाग्राम पे मैं डेली के या वीकली 1 या 2 बार पिक्चर्स डालने लगी, और उसमें मैं अपना गारमेंट शो करने लगी कि मैंने ये वाला ब्रांड पहना हुआ है, और ये इतने रुपए का है, या ये एक्सेसरीज पहनी हुई है, या अगर मैं कुछ लुक चेंज करती थी तो उससे रिलेटेड फोटोज डालती थी। तो इंस्टाग्राम पे मैंने अपना ग्रो करना चालू किया, और उस टाइम पे भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं यूट्यूब कभी चालू करूंगी। बस मैं सोचती थी, मैं कभी भी एक जो बोलते ना 100% की नहीं मैं स्टार्ट करूंगी, वैसा कुछ नहीं था। तो मैं स्टार्ट, फिर मैं आई जर्मनी, ठीक है, अब बहुत सारी स्टोरी है वो तो नहीं सुनाऊंगी, पर हाँ, फिर मैं आई जर्मनी। और जर्मनी में गाइस मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया, वो इंस्पिरेशन आया जब मैं अपने घर वालों से बात करती थी, अपने इन लॉज से बात करती थी। तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत छोटी जगह से हैं, तो उन लोगों को बहुत ऐसा लगता था वहाँ कैसी सड़कें हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, या वहाँ दूध कैसे बिकता है। मेरे पापा मुझसे बहुत बार पूछते थे कि वहाँ इंडियंस हैं क्या, जाके इंडियंस से बात करो। जब हम इनिशियली आते हैं तो हमको इंडियंस नहीं मिलते, हमको लैंग्वेज भी नहीं आती, जर्मनी में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा बार मेरे पापा मुझसे ऐसा बोलते थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे कनेक्ट करा, और मुझे अपना एक पैशन प्रोजेक्ट मिला कि नहीं, मैं इंडिया से यूरोप को कनेक्ट करना चाहती हूँ अपने थ्रू। और यही सोच के मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब का। आज मेरी जो फैमिली है वो 1K सब्सक्राइबर पे पहुंच गई है, और मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो
जिन्होंने मुझे इसके लिए सपोर्ट किया, चाहे वो मेरी फैमिली हो या थोड़े बहुत फ्रेंड्स हो या पूरे मन के सब्सक्राइबर जो एक-एक ऑनेस्टली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे पता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। मुझे नहीं पता जो लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर या 2 मिलियन सब्सक्राइबर पर पहुंच जाते हैं उनका कनेक्शन कैसा है अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के साथ। मेरा बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचती हूँ। अगर मुझसे कोई कोई क्वेश्चन करता है रिलेटेड टू गीजा, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ उसके बारे में बताने के लिए कि मैं कैसे बताऊँ। तो यही सोच के मैंने लाइफस्टाइल, वीज़ा, फैशन, फैशन क्योंकि मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, फिर मुझे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाने में पैशन आने लगा, तो मैंने ये सोच सोच के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। और हर एक चीज़ वो कनेक्ट करने की कोशिश करी इंडिया से हिंदी में, कि वो यहाँ की लाइफ देख सके मेरे थ्रू। अब गाइस, एक जो चीज मुझे बहुत इमोशनल करी आज, और मैं ये जो वीडियो है वो सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ, वो मैं अपना मेल खोलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने, सब्सक्राइबर मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ ये मेरी एक फैमिली है, उसने मुझे कमेंट मेल पे मेल किया हुआ है। तो वो मैं ये देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई गाइस, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, बिकॉज जो फुली 100% कमिटमेंट जो आप किसी चीज के लिए दे रहे हो, और उस पे आपको इस तरीके के अप्रिसिएशन मिलते हैं, प्लस आपको लोग इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। मतलब विद फुल ऑफ टीयर्स इन माय हार्ट, हैप्पी हार्ट, मैं ये आपको बताती हूँ। तो सब्जेक्ट है, यू इंस्पायर मी एंड वी आर एट 1K नाउ। हेलो सुरभि, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीटेड। ऑल्सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू शोइंग अस ग्रेट वर्क थ्रू योर वीडियोज। यू इंस्पायर मी अ लॉट एंड आई लव योर वीडियोज एंड योर ड्रेसिंग सेंस। ऑल्सो माई मदर कैन ऑल्सो सी योर वीडियोज एज शी डोंट नो इंग्लिश, स्टिल वो यूरोप जर्मनी घूम सकती हैं आपके साथ, क्योंकि उन्हें हिंदी आती है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती। आई विश कि आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कर लो, एंड यू आर वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट पर्सन एंड पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू। आई स्माइल, आई लाइक लाफ एंड आई ट्रैवल विद यू, कीप अपलोडिंग वीडियोस, जीन्स हॉल वाज बेस्ट, आई ट्राइड सम ऑफ योर चिप्स एंड इट्स रियली वर्क्स। यू सब्सक्राइबर, उनका नाम लिखा हुआ। तो गाइस, ऐसी चीजें जो लोगों को कनेक्ट कर रही है, आपके फैमिली को कनेक्ट कर रही है, वो मुझे करने में अच्छा लगता है। और मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, मैंने इससे कुछ नहीं कमाया आज तक, और मैं ना ऐसा कुछ सोचती हूँ, मैं सिर्फ अच्छा फील करती हूँ जब मैं ये सब करती हूँ। और बिकॉज ये मेरा पैशन है, इसलिए मैं इतने टाइम तक इसे कंटिन्यू कर पाई, और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। तो गाइस, अभी मैं बाय बोलती हूँ आप लोगों को, वेरी वेरी हैप्पी।